हाई गाइज, वेलकम बैक. आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड मैं बिल्कुल भूल गई थी, आई वॉज जस्ट रेडी. 10:58 हो रहा है अभी एंड मुझे एग्जैक्ट 11 बजे निकलना है. आई एम गोइंग टू सरोजिनी नगर एज यू हैव गेस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑल्सो. बहुत गर्मी है आज. आई एम वेयरिंग अ कॉटन टी शर्ट और मैं जा रही हूँ सरोजिनी नगर. मुद्दे पे आते हैं मैं जा रही हूँ सरोजिनी नगर अराउंड 1 साल के बाद. एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में मार्केट्स जितने ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं ना, दिल्ली की गर्मी उतनी ज़्यादा गंदी होती है. एंड कल भी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट या आई वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज गर्मियों के लिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव सम एसेंशियल्स जो मैं लाइक होती है काफ़ी सारी चीज़ें, अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो. तो इसलिए मैं जाना चाहती थी क्योंकि जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन गो देयर. एंड यू नो इतनी भीड़ भाड़ में जाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने सोचा आज ही हो आते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी गर्मी है. अभी 11 बज रहे हैं एंड आई थिंक मैं 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी. फर्स्टली आई एम मीटिंग माई फ्रेंड एंड वी आर गोइंग टू द मार्केट टुगेदर. तो आई थिंक 12 बजे तक हम अराउंड पहुँच जाएंगे, थोड़ा बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे. हमारा एम ये है कि हम वहाँ से जल्दी फ्री हो सकें एंड 1-1.5 घंटे में पूरा मार्केट घूम के या जितना भी हम मैक्सिमम घूम सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, वो करके हम वापस आ जाएँ अराउंड 2 o'clock तक अपने अपने घरों में. बाकी देखते हैं what happens, we don't know. मैं चलते चलते पैसे रखना भी भूल गई थी. देन आई वेंट बैक एंड गॉट मनी. कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हूँ मैं, बट आई थिंक वी नीड टू ब्रीथ एंड रिलैक्स एंड देन गो फॉर शॉपिंग. ऐसा इसलिए भी ताकि हम माइंडलेस शॉपिंग ना करें. ओके, सो वॉइस ओवर शिव्यांशी इज़ टेकिंग ओवर एंड मैं मार्केट पहुंच गई थी अराउंड 11:45 एंड काफ़ी खुल गया था मार्केट. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू वेट अराउंड 12. मार्केट खुल जाता है जल्दी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉटन की चीज़ें मिल रही थी इस बार मार्केट में, लाइक स्कर्ट्स एंड टॉप्स एंड पैंट्स, लाइक काफ़ी ज़्यादा. एंड कोरियन वाले जो टॉप्स होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे. एज़ यू कैन सी, बहुत ज़्यादा प्रिटी टॉप्स थे, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर ऑप्शंस थे. एंड बैग्स में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी देखने को मिली, ऑल्दो मैं 1 साल के बाद गई थी. एंड ये कमेटी वाले लोग हमेशा ही वहाँ पे होते हैं, इसकी वजह से शॉपकीपर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है. ऑल्सो मैंने अपनी फर्स्ट परचेज कर ली है ये 200 रुपीज़ वाले स्टॉल से. आगे चले तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉटन के कॉर्ड सेट्स भी मिले एंड शर्ट्स और ड्रेसेस भी, जो कि बहुत ही अच्छा फाइन कॉटन था और आप आराम से उनको गर्मियों में पहन सकते हो. काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी धीरे धीरे. मैंने पेड़ के नीचे खड़े होकर अमरूद भी खाया एंड काफ़ी अच्छा लगा. आपको खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर खूब मिल जाएंगी. बैग्स की कलेक्शन के बारे में बात करें तो मैंने वहाँ से 2 बैग्स परचेज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. मैं बिक्सी के सामने वाले स्टॉल पे भी गई थी, वहाँ से भी मैंने एक बैग परचेज़ किया है. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक अनोखी शॉप पे जो है जवाहर मल. यहाँ पर नमकीन, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स और कैंडीज़ और अचार बहुत अच्छा मिलता है. मैं जब भी सरोजिनी नगर आती हूँ, मैं हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ. इस बार भी मैंने कुछ बेक्ड स्नैक्स, हेल्दी वाले और चटनी टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं ना, चूरन चटनी, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी. तो प्लीज़ जब भी जाओ इसे ज़रूर चेकआउट करना. अब हम आ गए हैं बिक्सी के सामने. यहाँ पे मोस्टली जो टॉप्स और शर्ट्स मिल रहे थे ना, वो 200 की रेंज में थे सभी स्टॉल्स पे. और बैग वाली शॉप पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड ये हम वहाँ पहुँच गए. काफ़ी अच्छे बैग्स की कलेक्शन आई हुई थी. कुछ कुछ ना यहाँ पे डिफेक्टेड वाले भी होते हैं, तो जब भी आप यहाँ से ख़रीदो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक बार अच्छे से उनको चेक कर लो. कभी कोई स्पॉट होता है, कुछ होता है, कुछ निकल भी जाते हैं, कुछ लाइक कभी भी नहीं निकलते हैं. इस बार मुझे डेनिम शॉर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, वरना जनरली डेनिम्स की बहुत कम शॉप्स होती हैं, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा आपको डेनिम के शॉर्ट्स और जीन्स भी देखने को मिल जाएंगी. बाकी अब अराउंड 1:30 बज गया था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, तो मैं आ गई घर एंड दैट्स इट. ओके, सो गाइज, आई एम होम एंड शाम हो गई. एक्चुअली मैं आके सो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मार्केट में. अगर आप जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप ना प्लीज़ पहली बात तो अपने साथ पानी लेकर जाओ. मैं बहुत छोटी बॉटल लेकर गई थी, बट घर आके ना मैं इसमें से पूरे टैंकर में से पानी पी रही हूँ, तब से अभी भी इसमें थोड़ा सा बचा है. और ये वाली बॉटल ना पानी बहुत अच्छा ठंडा कर देती है, तो आई प्रेफर दिस. बट हाँ, पॉइंट पर वापस आते हैं, तो आप ना प्लीज़ अपने साथ पानी ज़रूर लेकर के जाओ. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. एंड इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ भी एट द सेम टाइम कि आप ना एग्जॉस्ट हो जाओगे. मुझे ना एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो सूर्य देवता ने स्ट्रॉ लगा करके मेरी एनर्जी चूस ली है सारी. एंड अब जो सारे कपड़े हैं वो चले गए हैं लॉन्ड्री, धुल के मिलेंगे तभी. मैं धुल के मिलेंगे क्या, मैं खुद धोती हूँ.
तो सब मशीन में है, देन उसके बाद ही हम हॉल करेंगे एंड वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो आप भी प्लीज़ कपड़े लाया करो, तो हमेशा ऑलवेज मेक श्योर कि आप उन्हें अच्छे से वॉश करो, थोड़ा डिटॉल विटॉल भी डाल दो उनमें, क्योंकि लाइक वी डोंट नो, ठीक है, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि वो नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, रियलिटी हमें नहीं पता। तो अगर वो नया भी है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे हो, लाइक आई ऑलवेज ऑलवेज डू इट। मतलब मैं कभी कभी ब्रांड से भी जैसे सेल में लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कपड़े ट्राई करे होंगे, तो मैं वो भी वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। तो या दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप आपने मार्केट इन्जॉय किया होगा। एंड गाइज प्लीज़ अवॉइड करना कि आप दोपहर के टाइम जाओ, या तो आप लाइक शाम के टाइम जाना सूर्य देवता के जाने के बाद, और अगर आप सुबह में जाना चाहते हो तो मेक श्योर आप 11:30 ना पहुंच जाओ, क्योंकि मैं भी आज 11:40 पहुंच गई थी एंड मार्केट काफ़ी खुला हुआ था, लाइक इट वाज ओपन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 12 बजे ही खुलेगा एंड थिंग्स एंड ऑल, क्योंकि गर्मी है तो लोग भी जल्दी खोल रहे हैं। ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, क्योंकि मैं लेकर के गई थी तो मेरी शॉपिंग ना बहुत जल्दी 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 हो गई, जो मुझे दिखता गया मुझे पता था मेरी लिस्ट में ये चीज़ें हैं एंड मैं उनको लेती गई, और ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ जाके क्लूलेस हूँ, ये देख लूँ वो देख लूँ, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं करो। थोड़ा सा अपना टाइम बचाओ, थोड़ा सा यू नो प्रिपेयर्ड होकर के जाओ। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सरोजिनी नगर हॉल होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट फॉर श्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच मोर वीडियोज, एंड या बाय, वर्क मोड ऑन, बाय।